हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो, इसके लिए मेरे पास एक महीने पहले से कॉमेंट आ रहे थे और बहुत सारे लोग तो बहुत अलग अलग तरीके से मुझे पूछ भी रहे थे, दी जन्माष्टमी कब मना रहे हैं, जन्माष्टमी कब मना रहे हैं। तो देखिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है। मुझे अपना बचपन याद है तो मैं उसके अनुसार आपको बता रही हूँ कि जब मैं छोटी थी तब भी और अब भी जन्माष्टमी का पर्व दो टाइम मनाया जाता है। जैसे कि एक वो मनाते हैं जो गृहस्थ आश्रम में हैं और एक वो मनाते हैं जो गृहस्थ आश्रम में नहीं हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं वैष्णव वैष्णव, तो वैष्णव क्या है पहले आप लोग उसको समझ लीजिएगा, फिर बाद में आपको समझ में आएगा वैष्णव क्या है। कुछ लोग गृहस्थ आश्रम में रह के भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, क्या वो वैष्णव होते हैं? या वो वैष्णव होते हैं जो गृहस्थ आश्रम त्याग चुके हैं, वो वैष्णव होते हैं? या जो गृहस्थ आश्रम में है तो फिर वो क्या है? तो इस तरीके के बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, खैर इस पर हम डिटेल में कभी बात करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, मुझे अपने बचपन का याद है कि जो जन्माष्टमी होती है, सर्वप्रथम उसे घर गृहस्थी वाले लोग मनाते हैं। कहने का मतलब, योगी, मुनि, तपस्वी या जिन्होंने गृहस्थ आश्रम धारण नहीं कर रखा है, वो लोग जब गृहस्थ आश्रम वाले जन्माष्टमी मना लेते हैं तो उसके नेक्स्ट डे मनाते हैं। तो अगर आपको घर में अगर मम्मी है या कोई है तो आप उनसे जब बात करेंगे तो आपको पता चलेगी कि जन्माष्टमी कोई इसी वर्ष दो दिन की नहीं है या इसके पहले वर्ष दो दिन की नहीं थी, ये हर साल होता है। मैं अपने बचपन से इसे देखती आ रही हूँ कि जन्माष्टमी सबसे पहले गृहस्थ आश्रम वाले मनाते हैं और उसके बाद जो है वो साधु संत मनाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस बार जन्माष्टमी कब है, क्या विशेषता है, क्या होना चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ। और मैं जन्माष्टमी कब मना रही हूँ, मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी किस दिन मना रहे हैं, काशी विश्वनाथ में किस दिन मना रहे हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। सो हम बात करते हैं सबसे पहले कि मान्यताओं की, मान्यताएं क्या कहती हैं। चूँकि हम शास्त्रों पर, मान्यताओं पर ही काम करते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखकर हमारी परंपराएं चल रही हैं। जैसे कि इस बरस अधिक मास है, तो दो महीने का सावन रहा और अब चल रहा है भादो। ये हिंदू मैथोलॉजी और हिंदू मान्यताएं हैं, लेकिन अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर को देखें तो उसके हिसाब से तो ये भादो नहीं है, उसके हिसाब से तो सितंबर शुरू हो गया है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो अब दिवाली जो है वो अक्टूबर पार कर जाएगी तब मनाई जाएगी, है ना। तो मान्यताओं के अनुसार क्या है, तो मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण जी का जन्म द्वापर युग के चौथे चरण में हुआ था। तो चौथा चरण का मतलब है अंतिम चरण में। सो जो भगवान श्री हरि विष्णु हैं, वो कोई भी युग हो उसके अंतिम चरण में ही अपने अवतार को धारण करते हैं। ठीक उसी तरीके से श्री कृष्ण जी जो हैं वो भगवान श्री हरि विष्णु के आठवें अवतार हैं और द्वापर युग के अंतिम चरण में इन्होंने जो है वो अवतार लिया था मानव रूप में। ठीक है ना, क्योंकि ये गर्भ से जन्म लेकर आए थे। तो ये मैंने आपको यहाँ समझा दिया, इतना कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, आगे की कहानी बहुत लंबी है। तो जैसे कि सामान्य अवतार ऐसे हो जाते हैं या किसी और तरीके, श्री कृष्ण जी ने जो है वो गर्भ से जन्म लिया है। ठीक है, तो चूंकि इन्होंने मानव रूप में आके अपनी लीलाएं दिखाई हैं, तो उसी तरीके से जो श्री हरि विष्णु के अलग अलग अवतार हैं, अलग अलग रूप में जन्म लेकर उन्होंने अलग अलग रूप में प्रकट होकर अलग अलग तरीके से अपनी मान्यताएं दिखाई हैं। ठीक है, अपने स्वरूपों का हमें दर्शन करवाया। तो ये तो मैंने आपको ये बता दिया कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो कब धरती पर जो है वो प्रकट हुए थे। सो ये द्वापर युग के जो अंतिम चरण, चौथा चरण है, उसमें इन्होंने अवतार लिया था और धरती पर प्रकट हुए थे। उस दिन और क्या विशेष था वो मैं बता दूँ। जैसे मथुरा में इन्होंने जन्म लिया था और मथुरा में हमको पता है कारावास है, कंस का कारावास था, और वहीं उन्होंने जन्म लेकर अपने माता और पिता को जो है वो कारावास से मुक्त भी करवाया था। इस तरीके की चीज़ें हम सब जानते हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, मैं इसमें आपको बहुत नहीं लंबा वीडियो को ले जाऊँगी। लेकिन जिस दिन श्री कृष्ण ने जन्म लिया था उस दिन विशेषता क्या थी, उस दिन श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में। ठीक है, जो भादो माह होते, दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है।
तो जो भादव महीना चल रहा था उसका जो कृष्ण पक्ष था उसकी अष्टमी में श्री कृष्ण जी का जो है वो जन्म हुआ था, ठीक है। और उस दिन था बुधवार और नक्षत्र था रोहिणी। तो श्री कृष्ण जी का जो जन्म हम मनाते हैं वो अष्टमी तिथि हो, साथ में रोहिणी नक्षत्र हो। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे किसके पिछले वर्ष के पिछले वर्ष बताऊं कि रोहिणी तो पता चले कि एक ही तारीख को लग गई, अब अष्टमी जो है वो दो को लग रही। तो कुछ लोग रोहिणी को महत्व देके रोहिणी में जन्म करवाते हैं और कुछ लोग जो उनका प्रकट उत्सव है वो अष्टमी में मनाते हैं। लेकिन जिस दिन श्री कृष्ण जन्म लिया था उन्होंने, तो श्री कृष्ण जी का जब जन्म हुआ था उस दिन ये विशेषताएँ थी कि भादव माह के जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी और दिन था बुधवार और रोहिणी था नक्षत्र और चंद्रमा जो है वो था वृषभ राशि में। ये मैं उस दिन की विशेषता आपको बता रही हूँ। और इस वर्ष की अगर हम विशेषता देखते हैं, चंद्रमा वृषभ राशि में मतलब क्या है, चंद्रमा जब वृषभ राशि में आते हैं तो ऑटोमेटिक जो है वो उच्च के हो जाते हैं और रोहिणी उनकी प्रिय पत्नी है, इसलिए चंद्रमा का इस दिन विशेष जो है वो योग बन जाता है। बहुत सारे योग बन रहे हैं इस दिन, उस पर मैं बात नहीं करूँगी। जो बेसिक बात है जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ या जो मैं करूँगी वो मैं आपको बता रही हूँ। तो कैलेंडर उठा दे। तो इस वर्ष जो है वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो गृहस्थ आश्रम में है, जो पारिवारिक हैं, जो परिवार में रह के अपने परिवार के नियमों का पालन करके भगवान कृष्ण का जो है वो ध्यान करते हैं, ये उनके लिए है, गृहस्थ आश्रम वालों के लिए। बेसिकली ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो 6 तारीख को मनाएंगे। सो 6 तारीख को विशेष क्या क्या है मैंने आपको बताया कि 6 तारीख को सबसे पहले तो ये भादों का महीना चल रहा है, ये कृष्ण पक्ष चल रहा है और कृष्ण पक्ष की अष्टमी जो है वो शुरू होगी 6 तारीख को। वो कब शुरू होगी मैं आगे आपको बताती हूँ। और कृष्ण पक्ष की अष्टमी शुरू होने के साथ साथ रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा, दिन ऑटोमेटिक जो है वो बुधवार है। ये वो योग बन रहे हैं जब द्वापर युग के 4थे चरण में बने थे। सो इस वर्ष ये वो योग बन रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। और किस्मत से इस दिन जो चंद्रमा है वो वृषभ राशि में होगा और उच्च का होगा, जैसे कि रोहिणी उनकी प्रिय पत्नी है। सो अष्टमी रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा का वृषभ राशि में होना, ये सब कुछ आपको 6 तारीख को ही मिलेंगे, 7 को ये नहीं है। सो गृहस्थ आश्रम में जो लोग हैं वो जन्माष्टमी जो है वो 6 तारीख को मना रहे हैं। जैसे कि मैंने बनारस बात की, उसके बाद मैंने मथुरा बात की, और इस वर्ष जो जन्माष्टमी है वो मथुरा में भी 6 तारीख को ही मनाई जाएगी। अब हम चलते हैं अगली तरफ, कब से कहाँ कैसे शुरू हो रहा है। हाँ, इन सब के बावजूद भी जो वैष्णव में जो हैं, जिन्होंने ऋषि हैं, मुनि हैं, जो तप करते हैं, जिन्होंने गृहस्थ आश्रम का त्याग कर रखा है, वो जन्माष्टमी 7 तारीख को ही मनाएंगे। समझ रहे हैं ना, उदया तिथि में मान के वो 7 तारीख को ही मनाएंगे, क्योंकि उन्हें भगवान श्री कृष्ण के आने से मतलब है, उन्हें जन्म नहीं करवाना है, इसलिए वो 7 तारीख को ही मनाएंगे। तो आगे हम बताते हैं कि कब कौन सी तिथि जो है वो शुरू हो रही है। सो अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है सितंबर 6, 2023 को 3:37 PM पर, ठीक है। अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है सितंबर 7, 2023 को 4:14 PM पर, 4:14 PM पर। रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है 6 सितंबर 2023 को 9:20 AM पर और रोहिणी नक्षत्र की समाप्ति हो रही है 7 सितंबर 2023 को 10:25 AM पर। तो ये है रोहिणी नक्षत्र की स्थिति। तो जो लोग 7 तारीख को जन्माष्टमी मनाना चाहते हैं, ऐसा देखिए कोई रोक नहीं है, आप नहीं मना सकते, बिल्कुल मना सकते हैं, लेकिन 7 तारीख को ना तो आपको अष्टमी मिलेगी, ना ही भादो मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी मिलेगी, ना ही आपको रोहिणी मिलेगा, ना ही चंद्रमा वृषभ में आएंगे, और ना ही जो है फिर वो आपको इस तरीके कोई शुभ सहयोग मिलेंगे, और ना ही बुधवार का दिन मिलेगा। सो जो इस वर्ष अधिक मास में जो योग बन रहा है बुधवार को, वो योग इसके पहले जो है वो द्वापर युग के 4थे चरण में बना था, जिस दिन श्री कृष्ण ने जो है वो जन्म लिया था, भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण ने जो है वो जन्म लिया था। सो ये जो सारे योग हैं वो 6 तारीख को मन रहे हैं। अब हम फालतू की बात ना करते हुए अपना मैं बताऊं तो मैं जो कृष्ण जन्माष्टमी है वो 6 तारीख को ही मनाऊंगी। सो 6/7 की रात में ही हो जाता है वो, इसलिए कि हम 6 तारीख के पूरे दिन व्रत करेंगे
रात्रि में 12 बजे हम उनका जन्म करवाएंगे, और फिर 12 के बाद अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर को देखते हैं तो 7 तारीख ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है। सो आप उस दिन से पूरे दिन तक रात तक जो अपना त्यौहार मना सकते हैं। वैसे अगर मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए, शुभ योग शुभ नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए हम जन्माष्टमी मना रहे हैं, तो हमें 6 तारीख को ही जन्माष्टमी मनाना है। सो जो भी गृहस्थ आश्रम के लोग हैं वो सब 6 को मना रहे हैं, यहाँ तक कि मथुरा वृंदावन में भी जन्माष्टमी 6 को ही मनाई जाएगी। बगैर कि आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, मैंने जो उचित था आप लोगों के लिए वो आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि ये चैनल आप ही लोगों के लिए समर्पित है। और बहुत सारे लोग हैं जो मुझे देख के कहते हैं नहीं दीदी जब आप मनाएंगे तभी हम मनाएंगे। सो बेसिकली अगर आप और भी साधु संतों से बात करेंगे, और भी आप किसी से बात करेंगे, तो वो भी आपको यही राय देंगे। सो घर के जो लोग हैं, घर में जो जन्माष्टमी मना रहे हैं, वो 6 तारीख को मना सकते हैं। बगैर कि आप लोग चाहें तो 7 तारीख की जन्माष्टमी के दर्शन जो है वो आप मथुरा वृंदावन में जाकर कर सकते हैं, लेकिन भाई ध्यान रखिए वो बहुत भीड़ होती है, तो ये एक प्रॉब्लम है। सो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोग ये बात समझ गए हो कि हम जन्माष्टमी कब मना रहे हैं। हम 6 तारीख को जन्माष्टमी मना रहे हैं, और कौन कौन है जो 6 को मना रहा है, कौन कौन है जो 7 को मना रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, गृहस्थ आश्रम वाले सदैव जन्माष्टमी एक दिन पहले जन्माष्टमी मनाते हैं। इस बार ये ईश्वर की कृपा है कि आपको गृहस्थ आश्रम में ये योग प्राप्त हो रहे हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगी, अनुरोध करूंगी कि किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन में ना पड़ के आप लोग 6 तारीख की रात में ही जो है वो जन्माष्टमी मनाइए। तो सबको 6-7 दोनों तारीखें मिल जाएंगी। आप 12 बजे जन्म करवाएंगे, फिर आप अपनी तैयारी करेंगे, समेटा समाटी करेंगे, भगवान को सुलाएंगे, दुनिया भर का काम करेंगे, तो आपको 12 के बाद वो 3-4 घंटे का समय ना लग ही जाता है। सो आपकी जन्माष्टमी 6 में भी रहेगी और 7 में भी रहेगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि अब आपको जन्माष्टमी को लेकर तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसमें जो भी डीपली बताया जा सकता था वो मैंने आपको बताया, आपके साथ शेयर किया। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ तो ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर उन्हें कोई कन्फ्यूज़न होगा तो उनका कन्फ्यूज़न भी आपकी वजह से क्लियर हो जाएगा। तो मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।